सो गाइस वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और कुछ टूल्स मैंने ऑर्डर किए थे टोटल की वेबसाइट से ऑर्डर किए थे। टोटल आप लोग जानते होंगे वही सेम कंपनी है जो टोटल का लुब्रिकेंट बनाती है, टोटल हाइपर वगैरह जिसका लुब्रिकेंट आप लोग रिव्यू मेरे चैनल पे देख चुके हैं। उसी वेबसाइट्स के टूल भी काफ़ी हैं, मौजूद हैं उसमें। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टूल्स हैं, गार्डनिंग पर्पस से, हार्डवेयर पर्पस से और पर्सनल यूज़ के लिए हैं। स्क्रू ड्राइवर्स हैं, रैचेट है, इसके अलावा प्लायर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं हर पर्पस के लिए है। ड्रिल मशीन्स हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग एक बार वेबसाइट पर जाकर के सर्फ करिएगा और देखिएगा कि आपके काम की चीज़ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। मैंने जो सर्फ किया है, मुझे दो चीज़ें मैंने अभी फ़िलहाल मंगाई हैं, एक बार पहले भी मंगा चुका हूँ और ये इस बार मैंने नेक्स्ट मंगाया है। पहला तो देखिए मेरे सामने आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग अगर पहचानते होंगे तो ये रैचेट मैकेनिज्म पर बेस्ड है आपका स्क्रू ड्राइवर। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। और नेक्स्ट जो है ये मैंने प्लायर मंगाया है, ये नोज प्लायर है। अभी इसको आपको खोल के भी दिखाता हूँ। हालांकि नोज प्लायर मेरे पास पहले से भी है, बट मैं इसका कंपेयर आपको ऑर्डिनरी नोज प्लायर से करके दिखाऊंगा कि आखिर मेरा इसको मंगाने का क्या पर्पस है। और पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि क्वालिटी जो है इन टूल्स की अमेजिंग क्वालिटी है, कोई वीक पॉइंट नहीं है और बहुत ही बढ़िया है। मैंने यूज़ करके अभी तक मतलब देख लिया है इसको। ये स्क्रू ड्राइवर मैंने दो पीस मंगाया हुआ है, अभी आज ही जो ऑर्डर आया है उसमें दो पीस ही मंगाए हुए हैं। तो उसको मैंने एक को बहुत अच्छे से मैंने सब हैंडल करके देखा है, कोई लूप होल या कोई लैकिंग नहीं है कि आप लोग सोचो कि नहीं बाद में परेशानी होगी। तो चलिए डिस्क्रिप्शन पहले आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर इसमें रैचेट मैकेनिज्म वाले स्क्रू ड्राइवर में लिखा है पेटेंटेड। पेटेंटेड क्या है वो बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है, देखिए है ना, स्क्रू ड्राइवर 525 इसकी MRP है दोस्तों, लेकिन ये 400 रुपये के आसपास मुझे पड़ा है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिक डील मेरे हिसाब से है, क्योंकि इतना बढ़िया स्क्रू ड्राइवर आप लोगों को इतने सस्ते में मिल रहा है यहाँ पर, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है यहाँ पर। तो अब इसमें बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो पहली चीज़ देखिए, रैचेट तो आप लोग सभी जानते हैं, ये रैचेट स्विच यहाँ पर इसका है, देख रहे होंगे आप लोग। जब इसको आप लोग यहाँ फिक्स कर देंगे, ये देखिए फिक्स है, तब इसको हम लोग घुमा रहे हैं तो ये देखिए ये फिक्स हो जाता है। इसको एक ऑर्डिनरी स्क्रू ड्राइवर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब इसको आपको टाइट करना हो तो आप लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये टाइट वाले मैकेनिज्म में आ गया, यानी कि ये एक साइड घूमेगा और दूसरी साइड से टाइट करेगा। फिर आपको लूज़ करना हो अगर बोल्ट, तो आपको इस साइड में स्विच करना है। देखिए एरो वाला मार्क इधर आ गया, अब आप लोग ऐसे करेंगे तो ये देखिए अब ये आपका दूसरे मोड में आ चुका है, ठीक है। रैचेट सभी जानते हैं काम कैसे करता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे अमेजिंग चीज़ इसकी ये है कि ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक बार ये प्लग पुश करना है और ये इस तरीके से ये एंगल में आ जाता है। अब ये एंगल में जब आ गया है, ये देखिए लॉक हो गया है यहाँ पर, तो आप इससे टफ से टफ जो आपका स्क्रू होगा बहुत ही, जिसमें प्रेशर या पावर लगानी पड़ रही होगी आपको, वो भी बड़े आराम से खुल जाएगा। और इसके साथ में आप लोग ये रैचेट मैकेनिज्म या फिक्स मैकेनिज्म जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ये काम कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये काम कर रहा है। और इसके बाद एक मोड और होता है, अगर आप इसको कम मोड़ना चाहें तो हल्का सा इसको पुश करिए, एक मोड आपका ये देखिए ये और आ जाता है, ठीक है। ये थ्री स्टेप में आपका बेंट हो जाता है यहाँ पर, ये देखिए है। और इसके बाद आपको दोबारा दबाएंगे, हल्का सा पुश करिए, सीधा आ गया। तो एक मोड मैंने आपको बताया ये हो गया, ठीक। दूसरा मोड आपका ये हो गया, ठीक। तीन मोड हैं आपके, इसमें से आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। एज ए फिक्स स्क्रू ड्राइवर इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रिप बहुत ही फर्म है और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है यहाँ पर। और इसकी बिट्स मैं आप लोगों को एक मिनट दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके दो पीस मंगाए थे तो एक मेरा ओपन किया हुआ है, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ इसकी बिट्स कैसी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला पीस है जो मैंने यूज़ करा हुआ है अभी तक, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ यूज़ करके तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इसकी बिट्स हैं, अच्छी खासी बिट्स हैं। देखिए स्पेस भी कितना कॉम्पैक्ट इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, है ना। और ऐसे स्क्रू ड्राइवर बहुत सारे थे, रैचेट मैकेनिज्म पर भी बेस्ड थे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो यही लगा, क्योंकि ये आपका पहली बात तो जो बेंट वाला सिस्टम है ये हर स्क्रू ड्राइवर में नहीं होता, और ये बहुत ही काम का होता है, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका स्क्रू को टाइट करना काफ़ी टिपिकल होता है। ये इसके बिट्स हैं, देखिए आपके करीब चार स्टार शेप आप देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पर हैं, सॉरी चार नहीं छः। और ये देखिए चार आपके प्लेन हैं और टोटल मिला करके 10 इसमें बिट्स आपकी मौजूद हैं यहाँ पर। और इसमें छः हो गए आपके स्टार शेप हो गए, और जबकि
जो चार हैं वो हो गए फ्लैट हेड हो गए, डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं। और मान करके चलिए 99% तक आपका इन जो गाड़ी में स्क्रू होते हैं उनका रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर देगा। और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप आराम से कहीं भी रख सकते हैं इसे, कार में अगर आप क्या कहते हैं कहीं डैशबोर्ड में भी डाल देंगे तो एक कोने में चुपचाप ये पड़ा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट डील है, इतना सस्ता स्क्रू ड्राइवर आपको और वो भी इतने फीचर्स और फंक्शन के साथ में नहीं मिलेगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये मुड़ने पे ये आपका बेंट होने पे ये टूट जाएगा या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप जितना चाहे बेंट कर दीजिए, जितना चाहे इसमें ताकत लगा दीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फिक्स है ये, एकदम हार्डेंड है। और सिर्फ एक प्लास्टिक ना समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा मतलब कंपाउंड यूज़ किया गया है इसमें, नॉर्मल प्लास्टिक से कहीं ज़्यादा हार्डेंड है, बिल्कुल मेटल की तरह इसकी तरीके से पूरी एकदम जो ग्रिप और इसकी स्ट्रेंथ है वो मेटल की ही बराबर की है। बहुत ही बढ़िया स्क्रू ड्राइवर, कोई कमी नहीं है, इसको एक मस्ट परचेज आइटम है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी है, ये है हमारा क्या कहते हैं नोस प्लायर, ये आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ अभी मैं, ठीक है। एक मिनट फोन दे रहा हूँ साइड में रखता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ और कंपेयर करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये हमारा नोस प्लायर है, ठीक है। इसकी कॉस्ट एक्चुअली में ये ऐड होकर के आया है, मुझे एग्जैक्टली इसकी कॉस्ट नहीं मालूम, लेकिन बहुत महंगा नहीं है, 300 से 400 के लगभग इसकी कॉस्ट, इसकी भी कॉस्ट है। और इंडस्ट्रियल यूज़ इस पर लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। ग्रिप बहुत ही फर्म है इसकी, ठीक है। और क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, हैंडल से लेकर के हर चीज़ की। ये इसका पीछे का कवर है। और एक मिनट नॉर्मल प्लायर के कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए ये हमारा नॉर्मल नोस प्लायर है जो मगध कंपनी का आता है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसकी बुराई बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं मुझे सालों यूज़ करते हुए हो गए इसको और अभी भी ये बिल्कुल ड्यूरेबल कंडीशन में है यहाँ पर। तो और देखिए प्राइस भी मैंने रखता है क्योंकि मगध वाला प्लायर ये हार्डली 110-120 का आता है और ये 300 से 400 रुपये का आइटम है। लेकिन हाँ फ़र्क आप देख रहे होंगे कि इसकी जो नोज़ है काफ़ी लंबी है, दूसरी बात जो उसकी ग्रिप वगैरह है काफ़ी अच्छी है। तो ये एक मस्ट हैव टूल ये भी है, अगर आप गाड़ी वगैरह का काम करते हैं और कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये आपके काम में ज़रूर आ सकता है। अनबॉक्सिंग इसकी कर चुका हूँ, नॉर्मल पैकिंग थी दोस्तों, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था जो आप लोगों को दिखाने लायक हो, लेकिन हाँ ये मस्ट हैव टूल ज़रूर हैं दो जो मुझे लगा जो मैंने इसमें मंगाए हैं, ऑर्डर किए हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको मंगाइएगा और बाकी टूल्स आप एक बार वेबसाइट्स को सर्च जरूर करके देखिएगा और जितने भी टूल्स हैं वो काफ़ी काम के हैं, उसमें से डेफिनेटली मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि आपको आपकी किसी न किसी पर्पज़ का कोई ना कोई टूल ज़रूर मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर कुछ परचेज़ करिएगा तो प्लीज़ एक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ ये वीडियो देखने के बाद आपने कुछ परचेज़ उससे किया है, तो ये फ़ीडबैक दीजिएगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन से कम कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिला यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, अभी बहुत सारे वीडियो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो मैं लेकर के अभी आने वाला हूँ आपका लगातार लगातार 6-7 वीडियोस, तो उनकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। एक वीडियो जो मेरा स्पार्क प्लग वाला था इरिडियम से रिलेटेड, सॉरी अबाउट दैट कि उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बट वेरी सून मैं उसको लेकर के आप लोगों के लिए आने वाला हूँ और डेफिनेटली जो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी आपके बहुत काम की साबित होगी। इसके बाद आप लोगों को पहली चीज़ तो ये होगी कि कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या आपको इस्तेमाल करना है और क्या नहीं करना है और किस कंडीशन में करना है, ये आप लोग बखूबी उस वीडियो के बाद जान जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और फीडबैक आप लोग अपना ज़रूर दीजिएगा। और हाँ अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो ये टूल आपके सॉरी कार के डैशबोर्ड में मेरे हिसाब से, अगर मैं कार चला रहा हूँ तो ये एक टूल मेरे पास डैशबोर्ड में ज़रूर होगा 101%, ठीक है। इसके अलावा मेरी टूल किट एक और भी है, उसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाद में जानकारी दूंगा। गुडियर की टूल किट एक मैंने परचेज़ की थी, उसमें भी काफ़ी टूल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टाफ उसमें दिया हुआ है, काफ़ी काम की चीज़ें हैं, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो में आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, देना मत भूलिएगा, ओके। हाँ एक चीज़ और भी है इसमें भी आपका, मैं देखना भूल गया था क्योंकि मैंने अभी खोला, देखिए पेटेंटेड यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस पर भी, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट इसके यूनिक हैं, ये चीज़ बड़ी गौर करने वाली है। जस्ट गिव इट ए चांस टू दिस कंपनी एंड होप सो दैट यू वॉन्ट बी डिसअपेयर आफ्टर बाइंग दोज प्रोडक्ट गाइस, ओके ओके गाइस, नाउ इट्स इनफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय।